नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। इस वक्त यूपी की राजनीति में जेल यात्रा सियासी तकरार का सेंटर बन गई है। 7 दिन के भीतर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दूसरी बार जेल की यात्रा पर पहुंचे तो राज्य में सियासी तपिश बढ़ गई। 19 दिसंबर को अखिलेश कानपुर जेल में अपने विधायक इरफान सोलंकी से मिले थे तो आज झांसी की जेल में उन्होंने अपने पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह से मुलाकात की। अखिलेश ने इसके बाद राज्य सरकार पर चुभने वाले हमलों की बौछार कर दी। अखिलेश ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। सपा अध्यक्ष का आरोप है कि सरकार अधिकारियों पर दबाव डालकर ऐसे मुकदमे दर्ज कर रही है। अखिलेश ने कहा कि समय बदलता है और सबका समय आता है। इसके जरिए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं तक सीधा संदेश दिया तो उधर भाजपा पहले से तैयार बैठी थी। अखिलेश को सबसे चुभने वाला जवाब डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दिया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद अखिलेश भी जेल जाएंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश के सामने ऐसा संकट इसलिए है क्योंकि उनकी पार्टी और उसके नेताओं का इतिहास ही ऐसा रहा है। साफ है कि जेल पर शुरू आर पार की तकरार फिलहाल थमने वाली नहीं है। आज इस खबर के साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आखिर क्यों लगा गैंगस्टर। भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश और मायावती को न्योता देने को क्यों बेकरार है कांग्रेस और ओवैसी ने मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह मामले में क्यों दिया विवादित बयान। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। झांसी जेल के बाहर अखिलेश यादव ने एक खास लिस्ट का जिक्र किया। उन्होंने सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव, मौजूदा विधायक इरफान सोलंकी और पूर्व विधायक रमाकांत यादव का बार बार हवाला दिया। अखिलेश ने जेल में बंद अपने इन तमाम नेताओं की फहरिस्त एक खास मकसद से गिनाई। दरअसल वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि राज्य के हर हिस्से में उनकी पार्टी के जनप्रतिनिधि सरकार के निशाने पर हैं, लेकिन भाजपा ने साफ कर दिया है कि उसकी सरकार का बुलडोजर थमने वाला नहीं है और जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। यूपी की सियासी रणभूमि में जेल संग्राम। बहुमत का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा लोकतंत्र खत्म कर दें। इसलिए ये सरकार जिस रास्ते पे जा रही है समाजवादी पार्टी लगातार लड़ती रहेगी। हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। वो भी कुछ हुआ जेल जाएंगे। गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे उनकी पार्टी में प्रसय पाकर के आगे बढ़ते रहे। जेल की सलाखों को अखिलेश की चुनौती। सर, हम लोग किसी कमरे में या चलते एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बहुत दिनों बाद जेल के सामने आपसे हम मुलाकात हो रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लगातार लोगों पर झूठे मुकदमे लगे। झांसी में कारागार यात्रा आर पार की ललका। तो जितनी भी संस्थाएं हैं उनको इशारा किया गया है कि विपक्ष के जितने लोग हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाइए, साजिश करिए, उन्हें जेल भेजिए। और फिर कितना हरेसमेंट किया जा सकता है वो किया जा रहा है। जेल वाले नेताओं की गिनाई लिस्ट। रमाकांत यादव, पूर्व सांसद विधायक, उन्हें जेल भेज दिया गया। इरफान सोलंकी कई बार विधायक रहे, उन्हें भी साजिश का शिकार होना पड़ा, उन्हें जेल जाना पड़ा। और हम समझते हैं आप पत्रकार साथियों को सब पता है कि दीपक यादव, पूर्व विधायक, झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा गया। जुबान पर न्याय, नई लड़ाई का नया अध्याय। इस सरकार में जहां महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है,
वहीं आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। अखिलेश यादव जेल में जा रहे हैं लगातार अपने विधायकों से और नेताओं से मिलने, वो भी कुछ दिन बाद जेल जाएंगे। हम तो सब तैयार हैं, जितने लोग हैं समाजवादी लोग सब जेल जाने को तैयार हैं, उनके पास जगह होनी चाहिए हम लोगों को रखने के लिए। अभी देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जेल जेल घूम रहे हैं और हमारी पार्टी शुचिता के साथ भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस के तहत आगे बढ़ रही है। अखिलेश का ऐलान, अपना टाइम आएगा। और समय बदलता है, सब समय सबका आता है, लेकिन ये पहली बार ऐसी परंपरा देखने को मिल रही है कि जहां पर संस्थाएं हाथ खड़ी कर दे रही है, ये सरकार के इशारे पर संस्थाएं हाथ खड़ा कर दे रही है, इससे दुखद लोकतंत्र में कुछ नहीं हो सकता। 2024 की लड़ाई का जेल गेट। आने वाले दिनों में राज्य में निकाय चुनाव होने वाले हैं, इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट की तरह माना जा रहा है। कई सियासी विश्लेषक स्थानीय निकाय के इस मुकाबले को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी बता रहे हैं, इसलिए अखिलेश यादव की एक के बाद एक जेल यात्रा को बड़ा रणनीतिक दांव माना जा रहा है। इसके जरिए हर इलाके में अपने कार्यकर्ताओं को जमीनी लड़ाई के लिए वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। सात दिन में ये अखिलेश यादव की दूसरी जेल यात्रा की तस्वीरें हैं। सपा के अध्यक्ष सोमवार को झांसी जेल पहुंचे, यहां बंद सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से मिले। जेल में 40 मिनट की इस चर्चित मुलाकात के बाद अखिलेश जब बाहर निकले तो राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। सरकार मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं फंसारे लोगों को, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद फंसाए लोगों को, आप कितने भी ईमानदार होंगे आप जेल चले जाओगे। इस प्रदेश में न जाने कितने सच्चे साथी जो पत्रकार थे, जिन्होंने सच्ची खबर दिखाई, उन पे झूठे मुकदमे लगा के सरकार ने जेल भेजा उन्हें। और समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है, इसलिए चिन्हित कर करके इनके नेताओं को फंसाना, इनके नेताओं पे झूठे मुकदमे लगाना, इन नेताओं को बदनाम करना। इसके बाद अखिलेश ने यहां दीप नारायण सिंह के परिजनों से भी मुलाकात की। सपा अध्यक्ष ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि उसने इंसाफ को खत्म कर दिया है। आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, इस सरकार ने न्याय खत्म कर दिया, न्याय की उम्मीद आप हम कोई नहीं कर सकते। अखिलेश का आरोप है कि पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह को पुलिस ने जानबूझकर फंसाया और पूरे परिवार को परेशान करने में जुटी है। दीपक यादव पूर्व विधायक, उनके बेटे हैं, मुझे याद है उस दिन जिस दिन पुलिस इनके घर में घुस करके इनके बेटे को उठा करके ले गई और कहा कि पिताजी हाजिर हों तब बेटे को छोड़ेंगे। उस दिन भी बड़े बड़े अधिकारियों से मैंने बात की, अधिकारी कह रहे हम पे दबाव है। एक अधिकारी से पूछा वो कह रहा दबाव है, उससे बड़े अधिकारी से पूछा तो बोला हम पर दबाव है, जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो कह रहा हम पर दबाव है। सुन लो, तो आखिरकार दबाव किसका है? इससे पहले अखिलेश ने 19 नवंबर को कानपुर की जेल में तब बंद रहे सपा विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात की थी। उनके दौरे के ठीक बाद इरफान पर एक नया मुकदमा दर्ज हो गया और फिर उन्हें कानपुर से महाराजगंज की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। अखिलेश ने झांसी की जेल के बाहर मीडिया से कहा कि सपा कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर पुलिस परेशान कर रही है, पूरे राज्य में यही हो रहा है। बनारस में तमाम समाजवादी कार्यकर्ता जिन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो ईवीएम्स जा रही थी, जिसमें वहां के जिलाधिकारी को हटना पड़ा था और बाहर से एक ऑब्जर्वर तैनात किया गया था, कमी और गलती प्रशासन की थी, लेकिन उसमें बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। अखिलेश के हर चुभने वाले हमले पर भाजपा ने पैनी नजर जमा रखी थी, इसलिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तक ने अखिलेश पर तीखा पलटवार किया। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से फ्लाप है, गुंडे माफिया मवाली लुच्चे लफंगे उनकी पार्टी में प्रसय पाकर के आगे बढ़ते रहे। अभी देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जेल जेल घूम रहे हैं और हमारी पार्टी शुचिता के साथ भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस के तहत आगे बढ़ रही है। हम प्रदेश को आर्थिक मोर्चे पर भी शीघ्र नंबर एक पर ले आएंगे। उनके सामने संकट है कि उनकी जो पार्टी है
उस पार्टी में जो उनके विधायक हैं, उनके जनप्रतिनिधि हैं, वो उनका इतिहास उसी प्रकार का है। लेकिन सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कानून का पालन करवाने के लिए संकल्पित। अखिलेश पर राज्य सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर ने चुभता हुआ हमला बोला। राठौर ने कहा कि अपराधियों से मिलने का सपा नेताओं का पुराना इतिहास है। अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी सदैव इन लोगों ने अपराधियों माफियाओं का संरक्षण करने का ही काम किया, लेकिन इधर माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार बुलडोजर चला रहे हैं और बुलडोजर रुकेगा नहीं, चाहे कितनी बार जेलों में जाएं, कितने जेलों में मिले। अखिलेश यादव की जेल यात्रा को भुनाने में सपा ने पूरी ताकत लगा दी है। निकाय चुनाव से पहले इसे स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने का मजबूत दांव माना जा रहा है, तो भाजपा ने भी साफ कर दिया है कि सुशासन के लिए अपराधियों के खिलाफ उसकी सरकार की बुलडोजर यात्रा यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। एबीपी गंगा के लिए झांसी से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश इस वक्त भाजपा के खिलाफ रह रहकर पुराना कार्ड चल रहे हैं। उन्होंने आज फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर लिया, उन पर तीखा हमला किया। साथ ही उन्होंने फिर दोहराया कि मेरा पुराना ऑफर कायम है, 100 विधायक लाइए और सरकार बनाइए। तो वहीं भाजपा ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह हताश है, क्योंकि उसे भी यकीन है कि अब उसके अच्छे दिन नहीं लौट पाते। अखिलेश यादव जेल में जा रहे हैं लगातार अपने विधायकों से और नेताओं से मिलने। वो भी कुछ दिन बाद जेल जाएंगे। हम तो सब तैयार हैं, जितने लोग हैं समाजवादी लोग सब जेल जाने को तैयार हैं। उनके पास जगह होनी चाहिए हम लोगों को रखने के लिए, और उनकी भी जगह हम लोग देख लेंगे समय आने पर कि कितनी जगह जेल में रखे हुए हैं वो लोग। और मुकदमा अपना वापस न लिया होता सरकार में तो वो खुद जेल में होते। सपा और भाजपा में कैसी आर पार की जंग छिड़ी है, ये वार पलटवार ये बताने को काफी है कि दोनों तरफ से माहौल गर्माने की कैसी तैयारी है। वो जिस प्रकार की परिस्थिति या मैसेज देना चाहते हैं, उस मैसेज का इतिहास समाजवादी पार्टी का रहा है, और समाजवादी पार्टी के सरकारों के समय जिस प्रकार से अराजकता और पूरे प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिया गया था, और तत्कालीन सरकारें दंगाइयों के मुकदमे वापस लेने का, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम करती थी, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी का समर्थन किन लोगों के साथ है वो पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है। इस सरकार में जहां महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वहीं आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। इस सरकार ने न्याय खत्म कर दिया, न्याय की उम्मीद आप हम कोई नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और वहां जेल में बंद पार्टी के विधायक और पूर्व विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल मैनपुरी उपचुनाव के बाद अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदली। कभी उन पर एसी में बैठकर राजनीति करने का आरोप लगता था, लेकिन अब एसी छोड़ अखिलेश यादव अलग अलग जिलों में दौड़ रहे हैं। हर मुद्दे पर ये सरकार नाकाम है, असफल है। दिल्ली की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, दिल्ली में पिछले 8 वर्षों से सरकार चल रही है, यूपी का 6वां साल पूरा होने जा रहा है, किसी भी समस्या का समाधान ये सरकार नहीं ढूंढ पाई है। अखिलेश यादव मैनपुरी उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से ही लखनऊ की बजाय दूसरे जिलों का ही दौरा कर रहे हैं। कभी वो मैनपुरी में रहते हैं, कभी इटावा चले जाते हैं, तो कभी कानपुर और कभी झांसी। दरअसल अखिलेश यादव ने मैनपुरी उपचुनाव जीतने के बाद रणनीति को बदला है, और उस रणनीति के तहत अब अखिलेश यादव का फोकस अलग अलग जिलों के दौरों पर है। यानी कभी मुलायम सिंह यादव जिस रणनीति पर चले और पार्टी को यहां तक पहुंचाया, अब ऐसी ही रणनीति कुछ अखिलेश यादव की भी है कि लखनऊ में कम रुकेंगे, अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे, वहां से जो ग्राउंड का फीडबैक है वो लेंगे और उस हिसाब से पार्टी को तैयार करेंगे आगामी चुनाव के लिए। 2024 को लेकर अखिलेश यादव अब खुद जिलों में जाकर वहां जमीनी हकीकत जानने में जुटे हैं कि पार्टी का कैसा फीडबैक है, साथ ही साथ
कभी उन पर जेल में बंद आजम खान से न मिलने के जो आरोप लगते थे, इन आरोपों का भी जवाब वो इन दौरों से दे रहे हैं। ऐसा है कि जेलों में जाकर सरकार को निशाना साधने का काम उनका पुराना सिपाहियों का रहा है और अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी सदैव इन लोगों ने अपराधियों मायावतियों का संरक्षण करने का ही काम किया है। इस बीच गोरखपुर के सपा नेता जवाहर यादव भी सुर्खियों में है। जवाहर यादव पर हत्या के मामले में गैंगस्टर लगने के बाद उनके बेटों और परिजनों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जांच के लिए सपा नेताओं की एक टीम गोरखपुर के सूबा बाजार भद्रवा पहुंची और यहां परिजनों से मुलाकात की। सपा की इस टीम में तीन पूर्व मंत्री और विधायकों के साथ कुल 8 सदस्य शामिल थे। गैंगस्टर एक्ट के तहत बीते 10 दिनों से जवाहर यादव के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई चल रही है, जिसमें अब तक 126 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। अब परिजनों से बातचीत के बाद सपा की टीम पुलिस के एक्शन पर अखिलेश यादव को अपनी रिपोर्ट देगी। उन पर इस घटना से पहले 151 और कभी कोई किसी प्रकार का कोई FIR नहीं था, लेकिन गैंगस्टर लगा के कोराबारी में प्रमुखी के चुनाव न लड़े और इतना तांडो हम लोग अभी किताब में ब्रिटिश हुकूमत का सुने थे कि नो नाखून निकलवा लेना। सपा के तमाम नेताओं ने हर जिले में वैसे सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की लिस्ट तैयार की है जिन पर कथित तौर पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। इसे लेकर पार्टी के नेता भाजपा से आर पार की हुंकार भर रहे हैं। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव जब भी जेल में बंद अपने किसी नेता से मिलने जाते हैं तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। पिछले दिनों इरफान सोलंकी से मुलाकात के बाद यही हुआ था। आज उन्होंने जब झांसी में इरफान सोलंकी का नाम लिया तो इरफान की आफत बढ़ने वाली एक और बड़ी खबर सुर्खियों में थी। दरअसल कानपुर के सीसामऊ से सपा विधायक सोलंकी पर आज गैंगस्टर एक्ट लग गया है। सिर्फ दिन भर में इरफान पर गैंगस्टर सहित कुल 3 नए मुकदमे दर्ज किए गए। सपा विधायक इरफान सोलंकी कानपुर से महाराजगंज की जेल में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन कानपुर के थाने में इरफान सोलंकी के मुकदमों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। इरफान पर 3 नए मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस बार इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इरफान के भाई रिजवान समेत 3 और लोगों पर भी गैंगस्टर लगा है। इसके अलावा रंगदारी और जमीन कब्जे के मामले में भी इरफान पर केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों से अभद्रता के मामले में भी इरफान पर नया मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना जांच मऊ में मुकदमा अपराध संख्या 156/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया गया है और यह गैंग चार्ट 5 लोगों के विरुद्ध बनाया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम है इरफान सोलंकी। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इरफान सोलंकी पर 3 नए केस दर्ज हुए हैं, बात यह है कि इरफान पर ठीक उसी तरह से मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है जिस तरह रामपुर में आजम खान पर केस दर्ज हो रहे थे। यानी जैसे आजम खान सीतापुर जेल में बंद थे और रामपुर में उन पर मुकदमों की लिस्ट बढ़ती जा रही थी, उसी तरह इरफान सोलंकी के साथ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इरफान सोलंकी पर अब तक 17 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इरफान पर प्लॉट में आगजनी का केस पहले से ही दर्ज है, जबकि फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा का भी केस दर्ज हो चुका है। बांग्लादेशी परिवार को भारतीय होने का प्रमाण पत्र देने के मामले में भी भंवर में फंसे हैं इरफान सोलंकी। अन्य जो कार्य हैं, जिससे दूसरे की जमीन पर कब्जा करना, बेदखल करना, लोगों को जो है जमीनों को गलत तरीके से हासिल करना इत्यादि कार्य कर रहा है, इस चीज को देखते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कल इसकी जांच आरंभ कर दी गई है। इरफान सोलंकी 2 दिसंबर से जेल में बंद है। पहले कानपुर की जेल उनका पता थी और अब महाराजगंज की जेल उनका ठिकाना है। जेल से बाहर इरफान कब निकलेंगे ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर लग रहा है कि इरफान का भविष्य मुसीबत में है।
और वो भी तब जब अखिलेश यादव उनसे जेल में मुलाकात करके कुछ दिन पहले ही गए थे। अखिलेश ने तब भी इरफान का बचाव किया था और आज भी उनके बचाव में खड़े हैं। आपके पड़ोस के जिले में इरफान विधायक, इरफान सोलंकी के पिताजी विधायक रहे, कई बार विधायक रहे, उनके परिवार की एक अपनी प्रतिष्ठा है, सम्मान है। इरफान सोलंकी कई बार विधायक रहे, उन्हें भी साजिश का शिकार होना पड़ा, उन्हें जेल जाना पड़ा। इरफान सोलंकी को लेकर कानपुर से लखनऊ तक सियासत गर्म है, बावजूद इसके इरफान के खिलाफ कानून का चक्र विस्तार ले रहा है। जिस बांग्लादेशी नागरिक रिजवान के मामले में इरफान घिरे हैं, उस रिजवान को रिमांड खत्म होने के बाद वापस जेल भेज दिया गया। दस्तावेजों की जांच तेज हो गई है। पुलिस का दावा है कि कोलकाता से कई अहम साक्ष्य और फर्जी दस्तावेज मिले हैं। उधर इरफान के बचाव में समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। नए साल पर समाजवादी पार्टी सत्याग्रह करने जा रही है। 31 दिसंबर दोपहर 12 बजे से 24 घंटे का सत्याग्रह शुरू होगा। सपा का आरोप है कि विपक्ष के नेताओं को फंसाया जा रहा है। कानपुर के फूलबाग मैदान में गांधी प्रतिमा के सामने ये सत्याग्रह होगा। कानपुर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कार्यक्रम के लिए पोस्टर बैनर भी जारी कर दिया, यानी इरफान पर कानूनी शिकंजा जितना बढ़ रहा है, सियासत भी उतनी ही परवान चढ़ रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नए साल पर उत्तर प्रदेश में सियासत की नई तस्वीर नजर आ सकती है। ये ऐसी तस्वीर होगी जो 2024 के लिए बेहद अहम होगी, क्योंकि 3 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर होगी कि क्या अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे। दरअसल कांग्रेस एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता का नया मंच तैयार करने की कोशिश में है। यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से सपा और बसपा से लेकर यूपी के छोटे छोटे दलों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि इस न्योते में को कौन कौन नेता कबूल करेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी विराम कर रही है, लेकिन जैसे ही इस यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा, यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो जाएगी। क्योंकि राहुल ने यूपी में दाखिल होने से पहले ऐसा दांव चल दिया है जो लोकसभा चुनाव की तपिश को अभी से ही बढ़ा रहा है। कांग्रेस ने सियासी दलों को यात्रा से जोड़ने का न्योता देना शुरू कर दिया है। अखिलेश और मायावती को भी निमंत्रण भेजने वालों की लिस्ट में रखा गया है। यूपी के छोटे छोटे दलों को भी यात्रा से जोड़ने के लिए न्योता भेजा जा रहा है। रालोद और सुभाषपा को भी यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया गया है। खुद राहुल गांधी ने इन नेताओं को निमंत्रण की चिट्ठी भेजने को कहा है। निमंत्रण राहुल जी ने कहा है कि निमंत्रण सबको जाएंगे, जितने बड़े नेता हैं अन्य दलों के, उनको सबको निमंत्रण जाएंगे। बीजेपी को नहीं जाएगा, लेकिन और लोगों को जाएंगे। अब वो जैसे जैसे उनकी परिस्थितियां हैं उसमें वो बताएंगे, वो आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। यानी नया साल आएगा और उत्तर प्रदेश से नई सियासी तस्वीर भी लाएगा। 3 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से यूपी में एंट्री करेगी। 4 जनवरी को बागपत, 5 जनवरी को शामली और 6 जनवरी को कैदाना जाएगी। पहले सिर्फ बुलंदशहर से ही यात्रा गुजारने का प्लान था, लेकिन सबसे बड़े सियासी राज्य यूपी से राहुल कोई समझौता नहीं करना चाहते। अब 4 दिनों में राहुल की यात्रा यूपी में क्या गुल खिलाएगी, इसका सबको इंतजार है। क्योंकि यूपी के बड़े नेताओं को न्योते वाली चिट्ठी भेजकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो यूपी में विपक्षी एकजुटता का बड़ा मंच तैयार करना चाहती है। कोशिश यही है कि लोकसभा चुनाव से पहले नया पॉलिटिकल टर्न दिखाया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में आज की तारीख में कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस इन सारे लोगों को बुला करके 2 बातें बताना चाहती है। पहली बात तो बताना चाहती है कि वो किसी गठबंधन के लिए तैयार है, और दूसरा कि गठबंधन का जो लीडर होगा वो कांग्रेस होगी। अब देखना है अखिलेश यादव इसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। पर जब तक नरेंद्र मोदी को हटाने की ख्वाहिश इन लोगों में है, तब तक इन्हें कांग्रेस को लीडर मानना पड़ेगा। यूपी में पूरा खेल जातीय गोलबंदी का माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस हर राजनीतिक दल को साथ जोड़कर नई तस्वीर सामने करना चाहती है।
लेकिन सवाल है क्या न्योते की चिट्ठी मिल जाने भर से नेता राहुल की इस यात्रा से जुड़ जाएंगे, और जुड़ भी जाएंगे तो क्या ये दोस्ती 2024 में सियासी दोस्ती बन पाएगी, क्योंकि सपा और कांग्रेस में पहले भी असफल गठबंधन हो चुका है। कांग्रेस के साथ रालोद पहले भी गठबंधन में रह चुकी है। मायावती ने विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यूपी में सबका अपना अपना वोट बैंक है, और कांग्रेस सारे वोट बैंक को एक साथ जोड़कर भाजपा को चुनौती देने का प्लान बना रही है। लेकिन क्या पार्टियों के गठबंधन कर लेने भर से वोट बैंक भी एक हो जाते हैं? इसकी नाकाम कहानियां हर कोई देख और समझ चुका है। इसका सबसे नाकाम उदाहरण सपा और बसपा का गठबंधन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैक्स टू मैक्स 50% पा चुकी है, उसको अब वहां से घटना है। तो 50% वो 2017 में पाई थी, 50% वो 2017 में पाई थी, तो ऐसी सिचुएशन में वो घटेगी और ये कंसोलिडेट होगा तो भारतीय जनता पार्टी को 36-38% पे आकर के सिमट जाना पड़ेगा, और बाकी जो वोटों का पोलराइजेशन हो जाएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मायावती इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि मायावती जो है वो भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है, तो अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो लड़ाई आमने सामने की नहीं होगी, ट्रायंगुलर हो जाएगी। सपा, बसपा और रालोद ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और शायद आखिरी वक्त तक ना खोले, लेकिन ओपी राजभर की सुभाषपा राहुल की यात्रा में शामिल होने का मन बना रही है। राजभर पहले ही कह चुके हैं कि अगर राहुल बुलाएंगे तो वो सोचेंगे, हालांकि उनके बेटे अरुण राजभर यात्रा में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हम अपने लोगों से पूछ करके बातचीत कर लेते हैं, शामिल होना है कि नहीं होना है, जैसा लोग कहेंगे वैसा हम आपको मैसेज देंगे। तो उसके बाद हम एक घंटे बाद चले गए बलिया, तो बलिया से आए तो अभी लोगों से बातचीत नहीं हो पाई है। सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी का स्टैंड क्लियर है, हम अपना यात्रा चला रहे हैं और अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारा कल 27 दिसंबर को महिला हक अधिकार महारैली भिलारा कादीपुर विधानसभा सुल्तानपुर जिले में है, हम अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं। उनके आमंत्रण आए थे लेकिन अब पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया है और ना ही उनके कार्यक्रम, यही हमारे ऑफिस में आया था और हम ही संजोग से फोन उठा लिए थे। पिछले कुछ दिनों से यूपी के विपक्षी नेता भारत जोड़ो यात्रा के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के खतरे के बीच जब स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यात्रा टालने की अपील हुई तो यूपी के विपक्षी नेताओं ने एक सुर में इसे यात्रा रोकने की साजिश बताया। यानी अंदर से दिल तो सबके मिले हैं, इंतजार है सबके एक साथ एक मंच पर खड़े हो जाने का, और अगर ऐसा हो गया तो लोकसभा चुनाव से पहले ये सबसे बड़ी तस्वीर होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्हें फिर एक बार अदालत का फैसला चुभा है। दरअसल मथुरा की कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सर्वे का आदेश दिया है, जिससे ओवैसी नाराज है। ओवैसी ने कहा कि भाजपा फिर से देश के हालात 1980 और 1990 वाला बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पीएम मोदी से दखल अंदाजी की मांग की। अदालत का यह आदेश सिर्फ ओवैसी को ही नहीं बल्कि कई दूसरे मौलानाओं को भी चुभा है, जो सीधे न्यायपालिका पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर मथुरा कोर्ट का फैसला AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को चुप गया है। सर्वे के आदेश को ओवैसी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बता दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह ज्ञानवापी पर आए सर्वे के फैसले को बताया था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि ईदगाह ट्रस्ट को इस मामले को हाई कोर्ट लेकर जाना चाहिए। जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे वो मुसलमान के हो, हिंदुओं के हो, ईसाइयों के हो, सिख के हो, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आखिरी बात यह है कि लीगल एक्सपर्ट्स, ये उनका मानना यह है कि सिविल डिस्प्यूट में अगर कोई सर्वे होता है तो लास्ट रिसोर्ट होता है। आप पहला रिसोर्ट में सर्वे कर रहे हैं, आप हम उम्मीद करते हैं कि वहां की ईदगाह ट्रस्ट के लोग इस गलत ऑर्डर के खिलाफ वो अपील करेंगे और कोर्ट उस पर देखेगा। मामला जब भी धार्मिक होता है ओवैसी के निशाने पर संघ और विश्व हिंदू परिषद भी होते हैं। ओवैसी ने कहा देश को 40 साल पीछे ले जाने की कोशिश हो रही है। नहीं, वो लोग तो यही चाहते हैं कि दोबारा मुल्क में विश्व हिंदू परिषद RSS यही चाहती है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, कि दोबारा इस मुल्क में जो 1980s में और 90 में जो मुल्क में जो नफरत की फिजाएं उठी थी वही माहौल देखना चाहते हैं।
और ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि बीजेपी सत्ता में है और देश के प्रधानमंत्री विश्व हिंदू परिषद को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ओवैसी जिस आदेश पर भड़के हैं वो कुछ घंटे पहले ही मथुरा की अदालत से आया। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद काफी पुराना है। मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। गौरतलब है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जबकि 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। कोर्ट ने 20 जनवरी तक सर्वे की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। 20 जनवरी तक सर्वे की रिपोर्ट आएगी या नहीं ये तो तय नहीं, लेकिन ये आदेश ओवैसी के अलावा कई मौलानाओं को भी चुभ गया है जो सीधे सीधे न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं एक खुले लफ्जों में बात करना चाहता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से। जैसे हमने बाबरी मस्जिद को 50 साल केस लड़ा है और नतीजा क्या हुआ कि सब कुछ सही होने के बावजूद और हमारे साथ गलत होने के बावजूद वो जगह राम मंदिर को दे दी गई, क्योंकि कोर्ट भी इनका है, कानून भी इनका है, संविधान भी इनका है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ की जो कोर्ट है जिन्होंने सिर्फ सर्वे का ऑर्डर दिया है वो सर्वे का ऑर्डर ना दें, बल्कि हिंदुओं से पक्षकारों से ये कहें कि जाकर उसको तोड़ दिया जाए। यानी सामाजिक तौर पर हो या फिर राजनीतिक तौर पर, कोर्ट के आदेश के बाद सियासत गर्म है। ओवैसी के बयान पर अयोध्या से पलटवार हो रहा है। जहाँ तक ओवैसी की बात है, जब देखो तब कहते हैं हम संविधान के मान के चलते हैं, हम कानून मान करके चलते हैं। तो कानून और संविधान जब अपने पक्ष की होता, मस्जिद की बात होती तब तो वो भूल जाते हैं। ये जब कानून है और यह जो न्यायालय है, न्यायालय क्या कहता है? न्यायालय तो न्याय के अनुसार करेगा। अभी शाही ईदगाह जिसे कहते हैं वहाँ पर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, इसका सर्वे करने के लिए न्यायालय ने आदेश दिया। आज ओवैसी उस न्यायालय पर प्रश्न उठा रहे हैं, उस न्यायालय के आदेश को नकार रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को इस देश के संविधान में विश्वास नहीं है, इस देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं है, देश की सरकार में विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्ति का इस देश में रहना बेकार है। मेरी सलाह है अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से उनको खर्चा दिया जाएगा, ओवैसी जाए पाकिस्तान अफगानिस्तान जहां चाहे वहां रहे। पहले अयोध्या, फिर काशी और अब मथुरा। अयोध्या का सियासी चैप्टर तो क्लोज हो चुका है, लेकिन विवाद की गहराई काशी से लेकर मथुरा तक बढ़ती जा रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बात निकाय चुनाव की, जिसकी तस्वीर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच से साफ होगी। कोर्ट का फैसला तय करेगा कि ओबीसी आरक्षण का भविष्य क्या होगा। इस बीच सियासी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आज भाजपा मुख्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक हुई। मीटिंग में इस बात पर मंथन हुआ कि कोर्ट के फैसले के बाद क्या किया जाएगा। वहीं सपा ने भी निकाय चुनाव को लेकर कमर कस ली है, जिसका मास्टर प्लान खुद अखिलेश यादव तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी दल निकाय चुनाव की तारीखों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चुनाव कब होगा इसका फैसला मंगलवार को अदालत से होगा। सोमवार को जब लखनऊ में भाजपा नेताओं की मुख्यालय पर बैठक हुई तो निकाय चुनाव पर लंबी चर्चा चली। तय हुआ कि अदालत से जो भी फैसला आएगा उसी आधार पर भाजपा प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव कब होंगे यह अदालत के फैसले पर निर्भर करता है, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है। आज पार्टी मुख्यालय पर पार्टी के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनकी बैठक हुई, क्षेत्रीय अध्यक्षों की बैठक हुई और जो मोर्चे हैं पार्टी के उनकी बैठक हुई। किस तरीके से निकाय चुनाव में पार्टी की रणनीति रहेगी, कैंडिडेट सेलेक्शन होना है, हालांकि वो अदालत के फैसले के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि अदालत जो भी फैसला देगा उसी के आधार पर हम जो प्रत्याशी चयन है उस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी मौजूद, सभी प्रदेश पदाधिकारियों को भी बैठक में बुलाया गया था। इसके अलावा क्षेत्रीय अध्यक्ष और अलग अलग मोर्चों के अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में संगठन के संभावित बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है
कि कुछ लोगों की जिम्मेदारी बदली जाएगी, क्योंकि पार्टी के कुछ मोर्चों के अध्यक्ष सरकार में मंत्री बन चुके हैं। इस मामले में अब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से हरी झंडी का इंतजार है। अभी मुझे मिड सेशन के लिए काम मिला है, क्योंकि स्वतंत्र देव जी का जो बचा कार्यकाल है मुझे मिला है। मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से निर्देश का इंतजार कर रहा हूं, और जैसे निर्देश मिलेगा संगठन के पुनर्गठन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश में एक नई टीम के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी, और ऐसे में उस टीम को भी थोड़ा वक्त चाहिए होगा। इसलिए चर्चा इस बात की है कि जनवरी महीने में संगठन का पुनर्गठन हो सकता है। वहीं प्रदेश में विधान परिषद की 6 सीटें खाली हैं, जिन पर मनोनयन होना है। इन नामों को कोर कमेटी ने शीर्ष नेतृत्व को भेज दिए हैं, और माना जा रहा है कि 1-2 दिन के भीतर ही शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद उन नामों की भी घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है। नाम प्रस्तावित कर दिए गए हैं और केंद्र उन पर निर्णय समय आने पर लेगा। यानी भाजपा की हर तैयारी 2024 के मद्देनजर है, फिर चाहे वो विधान परिषद की सीटें हों या निकाय चुनाव। निकाय चुनाव की तैयारी सपा की तरफ से भी जोर शोर से हो रही है। समाजवादी पार्टी स्थानीय निकाय को लेकर बड़ा रोड मैप तैयार कर रही है। सपा की कोशिश मोहल्ले के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की है। शहरों में साफ सफाई और घरों से कूड़ा उठाने पर सियासी प्लान बन रहा है। महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरा जाएगा। अखिलेश ने सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन चलाने का फैसला किया है। अखिलेश यादव बहुत जल्द नेताओं के साथ बैठक करेंगे, रणनीति को अंतिम रूप देंगे, जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, और तब दिखेगा स्थानीय मुद्दों पर सबसे बड़ी सियासत। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। प्रभात, कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे से निपटने की तैयारियों की, इससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर यूपी के सरकारी अस्पतालों में नए मैनेजमेंट सिस्टम से शुरू हुई है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के हालात में अस्पतालों में भीड़ ना बढ़े और मरीजों को सारी जानकारी उनके मोबाइल फोन में ऑनलाइन मिल जाए, इसकी ये बड़ी पहल है। दरअसल राज्य के 22 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ने आज से काम करना शुरू कर दिया है। इसके जरिए डॉक्टर रजिस्ट्रेशन, भर्ती, डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, खाना और दवाइयों की पूरी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। एक तरफ अस्पताल में इंतजाम दुरुस्त किए जा रहे हैं, तो कुछ जगहों पर एहतियात बरतने में लापरवाही भी दिख रही है। कोरोना डरा रहा है, हर चौखट पर फिर से खौफ की वैसी ही आहट है जैसी पिछले कुछ सालों से देखी जा रही है। इसका सबूत यह है कि 24 घंटे में कोरोना के 196 नए केस दर्ज हुए हैं, यानी कोरोना फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। हालात न बिगड़े, खौफ के वायरस का फन उठने से पहले ही कुचल दिया जाए, इसकी तैयारी शहर शहर हो रही है। यूपी के 22 राजकीय मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की शुरुआत हुई है। इससे मरीजों को राहत के साथ ही कोरोना प्रबंधन मदद मिलेगी। फायदा ये होगा कि अस्पताल में भीड़ नहीं लगेगी, मरीज भी नहीं भटकेंगे। दरअसल सॉफ्टवेयर पर ही मरीजों से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध होगी। रजिस्ट्रेशन से लेकर भर्ती होने तक का मामला ऑनलाइन हो जाएगा। एम्बुलेंस से लेकर दवाइयां और खाने का ब्यौरा भी ऑनलाइन मिलेगा। इस पे दरअसल क्या, आज हमने सभी मेडिकल कॉलेजेज को ऑनलाइन कर दिया है। उससे घर बैठे आप अपने पर्चा बनवा सकते हैं, मरीज को दिखाने के लिए डॉक्टर से समय ले सकते हैं, इसके अलावा वार्ड अलाट कर सकते हैं अपने आप, और ऑपरेशन थिएटर कब खाली, ऑपरेशन की तिथि के अनुसार वार्ड भी आप आरक्षित, ऑपरेशन थिएटर भी आरक्षित कर सकते हैं, और ऑनलाइन उसका जो शुल्क है वो भी जमा कर सकते हैं। अस्पताल परिसर में भीड़ रुकेगी, मरीजों को अनावश्यक लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था शीघ्र ही पूरे प्रदेश में हम स्वास्थ्य महकमे में भी लागू करने जा रहे हैं, उसके लिए हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कहा। अभी 12 राज्य मेडिकल कॉलेज में ये व्यवस्था चल रही है, अब इसमें 22 और मेडिकल कॉलेज जोड़ दिए गए हैं। मंगलवार को कोरोना की तैयारी को लेकर पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल की जाएगी। वेंटिलेटर की व्यवस्था क्या है, ऑक्सीजन की स्थिति कैसी है और बाकी के उपकरण कैसे काम कर रहे हैं, हर चीज की जाँच होगी। और जब तक चिकित्सक अलाउ न करें, यानी निगेटिव हो जाए तब तक बाहर न निकले, और अस्पताल परिसर में जाएं तो मास्क लगा के जाएं।
आज वीर बाल दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों के बलिदान को नमन किया। लखनऊ में सीएम आवास पर वीर बाल दिवस के मौके पर समागम आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह का शौर्य पूरे देश को प्रेरणा देता है। सीएम ने कहा कि बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह दीवारों में चुन दिए जाते हैं लेकिन उफ तक नहीं करते। सीएम योगी ने कहा कि जब भी देश पर संकट आया है तब पश्चिम से होने वाले हमलों को रोकने के लिए पंजाब हमेशा दीवार बनकर खड़ा हो जाता रहा। ये तस्वीरें वीर बाल दिवस पर लखनऊ सीएम आवास पर आयोजित उस समागम की हैं, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के दोनों छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान को याद किया गया। यहां संगत का स्वागत करने खुद सीएम योगी मौजूद थे। सीएम योगी ने इस समागम में गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप का पूजन किया। सीएम योगी ने वीर बाल दिवस को दोनों साहिबजादों के शौर्य को नमन करने का दिन बताया। उन्होंने कहा कि ये दिन गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान को लेकर कृतज्ञता जताने का मौका है। बचपन से मिले हुए संस्कार मां गुजरी के सानिध्य में जो संस्कार जो सानिध्य प्राप्त हुआ, दो पुत्र युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह दीवारों में चिन लिए जाते हैं लेकिन कहीं उफ तक नहीं करते। सीएम योगी ने कहा कि बचपन में मिले संस्कार बताते हैं कि धर्म के किस पथ का अनुसरण करना है। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस हमें सिख गुरुओं और उनके परिवार के बलिदान के प्रति शीश नमन करने का अवसर देता है। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से पूछा गया कि आपके चार चार पुत्र शहीद हुए हिंदुस्तान के लिए धर्म की रक्षा करते हुए, तो उस समय भी उनके मुंह से एक ही बात निकली थी कि चार मुए तो क्या भे, जीवित कई हजार। यानी अपने परिवार के लिए नहीं, देश और समाज के लिए, धर्म के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित था। सीएम योगी ने कहा कि अरुणाचल के तवांग में सिख रेजिमेंट के जवानों ने चीनियों को जिस तरह से ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ये शौर्य का अनूठा उदाहरण है। तवांग की घटना को लेकर के 9 दिसंबर के दिन मैंने पूछा, मैंने कभी वहां पे ऐसी स्थितियां थी कैसे वहां पर भारतीय सेना बहुत चीन पर हावी होगी, तो बताया गया कि वहां पे हमारे सिख रेजिमेंट से जुड़े हुए जवान थे, एक एक जवान दो दो चीनियों को अपने दबाता था और फिर उनकी कायदे से तुड़ाई करके फिर वहां से भेजता था। सीएम योगी बोले कि मेरी सरकार शौर्य के इस इतिहास और परंपरा के संरक्षण का काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। सीएम ने कहा कि देश दुनिया में होड़ लगेगी कि बाल दिवस का वास्तविक आयोजन कब होगा, तो ये साहिबजादों के बलिदान का दिन होगा, यही वास्तविक इतिहास है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आम लोगों पर एक बार फिर से महंगाई की चुभने वाली मार पड़ी है। मदर डेयरी ने फिर से दूध के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मंगलवार से मदर डेयरी का दूध 2 रुपए महंगे हो जाएगा। मदर डेयरी ने कहा कि गाय के दूध और टोकन वाले दूध कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। ये बढ़ोतरी फुल क्रीम दूध और टोंड दूध को लेकर की गई है, जबकि डबल टोंड दूध भी 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। ये एक साल में 5वीं बार है जब मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ाए हैं। नए साल से पहले मदर डेयरी ने लोगों को महंगाई का झटका दिया है। कंपनी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें मंगलवार से लागू हो जाएंगी। कंपनी की तरफ से फुल क्रीम टोंड और डबल टोंड दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। गाय का दूध और टोकन दूध की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंपनी की तरफ से दिल्ली NCR में कीमतें बढ़ाई गई हैं। 2022 में ये 5वीं बार रहा जब दूध के दाम बढ़ाए गए। मदर डेयरी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रोजाना 30 लाख लीटर से भी ज्यादा दूध की सप्लाई करती है। मदर डेयरी ने कहा
के फुल क्रीम दूध का दाम अब 66 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं टोन दूध की नई कीमत 53 रुपए प्रति लीटर होगी, जबकि डबल टोन दूध के दाम बढ़ाकर 47 रुपए प्रति लीटर कर दिए गए हैं। हम तो बस यही कहना चाहेंगे, हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि रेट पे रेट बढ़ाया जा रही है तो इसका कुछ करेगी कि नहीं करेगी, फिक्स होएगी नहीं फिक्स होएगी? नॉर्मल जनता की इतनी आमदनी है नहीं, सरकार जनता पैसे कैसे देगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जितने भी मदर डेयरी वाले या कोई भी मतलब दूध वाले, आए दिन अभी 2 महीने पहले दूध के रेट बढ़े 2 रुपए, अब फिर दूध के रेट बढ़ रहे हैं, ये कब तक ये जो चलती रहेगी गाड़ी कब तक चलेगी? ये अभी सुना जा रहा है कि 2 रुपए कल से और बढ़ रहे हैं, तो मतलब ये किसी का इस पे कोई कंट्रोल भी है गवर्नमेंट का या किसी का या मदर डेयरी का या किसी का कि इस बात पे क्या कंट्रोल है? मदर डेयरी ने इस कीमत बढ़ोतरी के लिए दुग्ध उत्पादक किसानों से की जाने वाली खरीद की लागत बढ़ने को जिम्मेदार बताया है। कंपनी ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल दूध की खरीद लागत करीब 24% तक बढ़ गई है। बात कुछ भी हो लेकिन इसका बोझ तो सीधे सीधे आम आदमी पर पड़ा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बात तो चुभेगी, मैं आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।